अलग हो गया तो बोले अलग कैसे हो गया बोले कि तुम शुक्राचार्य की पुत्री हो, उसी बात ही मैं भी शुक्राचार्य का पुत्र हो गया क्योंकि मैं भी उनके ही सोने की माला है हाथ में लेकिन शुक्र का स्ट्रॉन्ग होने पे ज्यादा घूंगरा पाए सो हैज अ चांस ऑफ कि चश्मा जरूर लग जाए ठीक है सो ये सब बताया उन्होंने मरकरी के पुरोहित ने सारा चीजें विस्तार से सब चीजें बता रहे थे सबने सुना कि हाँ बोलने में बड़ा गोड़शाली है बहुत टेक्निक से मंगल वाले को फेल कर दिया ठीक है तब से पीछे से जो दूसरे पुरोहित उठ रहे हैं वो हैं शुक्र के ठीक है तो अब वो शुक्र के पुरोहित है तो अब वो समझ रहे हो ना कि उनका श्रृंगार ही श्रृंगार है पूरा वो पूरा एकदम सजे धजे पूरा कुंडल पूरा ये पूरा तिलक उलक लगाए हुए सोने की माला है हाथ में समझो कि नॉर्मल माला नहीं है सोने की माला है धनशाली ठीक है पूरा श्रृंगार जूता जूती सब पहने हुए हैं जूतियों में भी जड़ियां लगी हुई हैं ऐसा टिमटिमाता हुआ पूरा उनका वस्त्र है ठीक है इस तरह से उनके पुरोहित उठ रहे हैं ठीक है ठीके? तो उठ रहे हैं तो बोल रहे हैं कि ये सब बात तो ठीक है लेकिन ये सब ज्ञान का क्या फायदा जब तक धन ना हो जब तक तो पैसा ना हो जब तक तो रुपया ना हो ठीक है इसके बिना कैसे काम चलेगा ठीक है तो फिर बोलते हैं कि महाराज देवो में देव शुक्रदेव ठीक है जैसे वो बोलते हैं बुद्ध देवो में देव बुद्ध देव उसी तरह से ये बोलते हैं कि देवो में देव शुक्रदेव है ठीक है शुक्रदेव से बढ़िया कोई ग्रह नहीं है सारे जीव जंतु जो है सारे मनुष्य जो है वो शुक्र के पीछे ही भागते हैं मनुष्य का सारा जीवन शुक्र को पाने में ही चला जाता है ठीक है तो ये बोल रहे हैं तो बोल रहे कि उनके जैसा कोई नहीं उनका अनपैरल है ठीक है ही रिमूव ऑल द ऑब्सटिकल ऑल द वरीज ऑल द डिजीज ठीक है ऑल हु वर्शिप हिम अचीव द मोस्ट चेरिश डिजायर लाइक सारी जो भी इनकी पूजा करता है वो उनके सारी इच्छाएं पूर्ति होती हैं एंड दोज हु हिम नाइट वो फॉर दोन ईयर बिकम हैप्पी एंड एंड विगरस गुड फॉर्च्यून लूज ऑल ऑब्स्टिकल गो टू द वीनस रेल आफ्टर डेथ फॉर्चुनेट फोर्चुनेट चार्मिंग वीनस हैज अ मीडियम साइज एंड वेल नरिश्ड बॉडी ठीक है तो मध्यम अगेन बॉडी में मध्यम लॉन्ग हैंड्स ठीक है ये वीनस का एक दूसरा गुण है कि हाथ लंबे होंगे जब लगन पे शुक्र होता है प्रोमिनेंट शोल्डर ब्रॉड चेस्ट एंड डार्क शॉर्ट करली हेज डार्क शॉर्ट करली हेज ठीक है तो घुंघराले बाल शुक्र देता है जो सूर्य का करलपन करल था उसमें स्पेस थी मतलब हल्के घुंघराले लेकिन शुक्र का स्ट्रॉन्ग होने पे ज्यादा घुंघराले बाल तुमको देखने को मिलेंगे ठीक है सो तो लॉन्ग हैंड्स प्रोमिनेंट शोल्डर्स मीडियम अ, Broad chest, dark, short, curly hairs, overflowing with virility. He is intelligent, handsome, and sensuous. His constitution is kapha and vata. His color resembles that of snow or white jasmine flower. Okay, fragrant white uh, lavender and lotus stem. Fond of juicy things, of music, fe uh, of femininity. In metal is silver, diamond in gem. Even the Lord Venus himself has but one eye he is significator of eye in the horoscope and venus is, who is prominent is birth venus who is prominent in a birth chart gives beautiful eyes lord of semen over of the southeast of friday of libra and taurus venus is known as much as ushna the brilliant the poet the white the pure who has reached the far shores of the vedas vedang professor of great intelligence

आई डिफॉर्मिटी यानी कि चश्मा जरूर लग जाएगा एक आंख कमजोर होना शुरू हो जाती है ठीक है वीनस लगन पे होगा तो आंख सुंदर बड़े लेकिन कमजोर वीनस लगन पे होने की वजह से ठीक है सुंदर आंखें बहुत सुंदर होंगी लेकिन बड़ी होंगी कमल नैनी जिसे कहते हैं बड़े नेत्रों वाली कई जगह कर्म विभाग संहिता में जब पढ़ते हैं ना तो बड़ी कई जगह पे ऐसा बोलता है बड़े नेत्रों वाली लेकिन काम नहीं करती फंक्शनैलिटी नहीं है ठीक है कमजोर नेत्र होंगे ये खासियत बता रहे हैं बिकॉज शुक्राचार्य इज वन आइड वन ठीक है जैस्मिन फ्लावर और लोटस स्टेम को डिनोट करते हैं ठीक है मेटल में सिल्वर अगेन सिल्वर एंड जेम में डायमंड हीरे का वो है वीनस ऑल्सो रिप्रेजेंट द ओवरी यानी कि जो ओव्यूल्स बनते हैं वुमेंस में और कैलो की जो सीमेन बनता है मेल्स में ही इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग बहुत चंद्रमा और शुक्र जो है उनका सिमिलर क्वालिटीज तुमको देखने को मिलेगा ठीक है ग्रेट इंटेलिजेंस ही कर्म कांड का पार्ट पार्ट है यानी कर्म कांड इन sense कि जहाँ पे रिचुअलिस्टिक प्रोसेस है जहाँ पे रिचुअलिस्टिक यानी कि ये ऐसा होगा फिर घी चढ़ाओ फिर शक्कर चढ़ाओ फिर दही लगाओ ये जो प्रोसेस है ये कर्म कांड का पार्ट आता है और ये कर्म कांड में जो प्रवीण है जो गुरु है वो शुक्राचार्य देते हैं तो ऐसा व्यक्ति रिचुअलिस्टिक प्रोसेस की तरफ ज्यादा पड़ता है जब अः स्ट्रांग होता है कुंडली में ठीक है और यही जब जुपिटर स्ट्रांग हो तो डिवोशनल साइड मंत्र साइड उस साइड में ज्यादा स्पिरिचुअलिटी के साइड में ज्यादा होता है नॉट रिचुअलिस्टिक पार्ट ठीक है तो ये डिफरेंस है जो गुरु शुक्राचार्य और गुरु बृहस्पति के बीच में ठीक है सो ब्रिलियंट द पोएट सो कवि वीनस अच्छा हो तो कवि बनाता है पोएट बनाता है एंड ही ऑल्सो लव जूसेस फॉन्ड ऑफ जूसेस तो जूसेस ज्यादा पीना लिक्विड uh, आइटम्स पे रहना वैसा है ज्यादा भोजन नहीं करना अगेन लाइक like चंद्रमा ज्यादा भोजन नहीं करना लिक्विड आइटम्स पे रहने का ऐसा वीनस बनाता है ठीक है पानी बहुत पसंद होता है शुक्र लगन पे होगा तुम देखोगे बचपन से जिसका शुक्र स्ट्रांग होगा ना बचपन से ऐसे बच्चे पानी जहां पानी मिल जाए उनको तो वहीं से बचाना पड़ता है पानी को बचाना पड़ता है इनसे कि ये जा जाके कूद पड़ेंगे उसी में ठीक है नल तो इनका फेवरेट पार्ट है हमारे मेरे घर में दो छोटे बच्चे हैं दोनों का शुक्र बहुत अच्छा है दोनों बाल्टी में ही घुस जाए उनका बस चले तो ठीक है ट्वेंटी फोर सेवन ज्यादा खाने पीने का शौकीन नहीं है चंद्रमा जैसे खाने पीने का बहुत शौकीन है ठीक है लेकिन शुक्र नहीं होता उसको पानी पसंद है लिक्विड आइटम्स तो जूसेस और ये सब चीजें बहुत पसंद है स्विमिंग और ये सब चीजें करने का बहुत शौक होता है ठीक है so सो ये वीनस की खासियत बता रहे ठीक है ठीके? वीनस को बोल रहे हैं कि ये सूर्य के साथ में हमेशा रहते हैं और सूर्य का तेज सूर्य का बल इनके पास है ये असुरों के गुरु हैं ठीक है गुरु शुक्राचार्य है और इनके पास मृत संजीवनी विद्या है मृत संजीवनी विद्या है सो ही इज अ हीलर एक प्रकार से सो वेर एवर शुक्र इज देयर इट विल इवेंचुअली हील दैट पार्ट सो ट्रांजिट में भी अगर कहीं शुक्र जा रहा है सो ही विल हील दैट एरिया जो भी आपका जहां भी एरिया है बॉडी का है तो मेंटल है तो ठीक है इमोशनल है जो भी है उसमें वो हीलर के तो मृत संजीवनी तो ही ऑल्सो ऐसे लोग जिनका फेम मरनों उपरांत भी रहता है ठीक है कई लोग हैं जो जीवन में फेमस है जब तक वो जीवित थे तब तक, तक, तक बहुत प्रख्यात थे लेकिन मरने उपरांत भी जो फेमस रहेंगे उसमें शुक्र अच्छा होना चाहिए क्योंकि वो मृत संजीवनी विद्या रहे ठीक है हिम कुंडे मृणालाभे दैत्यानाम परम गुरु सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमा ठीक है तो ये है हिम कुंड एक जगह आ, उत्तराखंड में वहां पे बताया जाता है कि गुरु शुक्राचार्य जो थे अः जब दैत्यों ने इस तरह से लाइक ना दैत्यो के साथ चीटिंग हो गई चीटिंग हो गई इन द सेंस की जो देवता थे उन्होंने जो विष्णु गांधी मोहनी अवतार लेकर के देव को सिर्फ अमृत दे दिया तो गुरु शुक्राचार्य को इससे बड़ा धक्का लगा धक्का इससे लगा क्योंकि उन्हें लगा कि यार ये तो मेरे स्टूडेंट के साथ चीटिंग हो गई ना मेरे स्टूडेंट के साथ उन्होंने चीटिंग कर दिया तो गुरु शुक्राचार्य ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि मैं अब ना देवताओं को बताऊंगा बहुत अच्छे तरीके से इनको बताऊंगा और फिर क्या क्या उन्होंने उन्होंने सब कुछ त्याग करके वो सन्या चले गए जंगल में क्या करने के लिए तपस्या करने के लिए जब वो तपस्या करने के लिए गए तो उन्होंने कैसे तपस्या करी करों उन्होंने उल्टे होकर यानी कि पेड़ पे चढ़ करके दोनों टांगे फंसा करके उल्टे लटक करके उन्होंने अपना वो किया और नीचे से उन्होंने कुछ हवन और भस्म जलाया जो उनके अंदर जाती थी और उल्टे लटक करके उन्होंने तपस्या करना चालू किया तब उसके बाद जब वो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो ब्रह्मा ने उन्हें मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान दिया जिससे कि वो क्योंकि उनके पास तो अमृत आ गया था देवताओं के पास इन लोग पहले गुरु शुक्राचार्य ने अमृत मांगा कि अमृत को बनाया कैसे जाता है ये बता दीजिए तो बोले कि ये तो बया ये तो कोई प्रोसेस है नहीं इसका बनाने का तो बोले कि अच्छा एक काम कीजिए आप मृत संजीवनी विद्या दीजिए कि कोई भी मर जाए उसको हम पुनर्जीवित कर सकते ऐसी विद्या दे दीजिए तो इस प्रकार से वो पाया तो उसके बाद फिर देव असुरों ने देवताओं पर अटैक करना चालू किया जैसे ही कोई मरता फिर गुरु शुक्राचार्य के पास जाते और उसको वो दे देते अमृत जीवन विद्या से उसको पुनर्जीवित कर देते इस भांति कई बार ऐसा चक्र चलता शुरू हुआ तो शुक्राचार्य जो है वो इसीलिए असुरों के वो हैं अच्छा एक खास बात जो है जो एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना भी है कि पता है कि सारे जो प्लान है ना उनकी जो रोटेशन है जैसे कि ये एक्सेस होती है सो तो तो so, तो so, जैसे हमारी पृथ्वी भी ऐसे ऐसे घूमती है सो so, एक्सेस जो उसका नॉर्थ पोल होगा ऊपर की साइड डायरेक्टेड होगा बट इस स्टोरी के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि शुक्रदेव उल्टे टक करके क्योंकि प्रार्थना कर रहे थे सो जब एस्ट्रोनॉमिकली उन्होंने खोजा तो वीनस जो है वो एक्सियल वाइज उल्टा रोटेट करता है उल्टा रोटेट करता है इन द सेंस कि उसका रोटेशन एंटी क्लॉक वाइज नहीं क्लॉक वाइज है और जब क्लॉक वाइज है तो उसका मतलब उसका जो एक्सियल पॉइंट है है वो इट्स सेम सिंबलाइजिंग कि शुक्र देव जो है वो ही इज अपसाइड डाउन ही कैन ऑल्सो बी अपसाइड डाउन ठीक है सो ये पढ़ना कभी एस्ट्रोनॉमी का पार्ट है कि वीनस का जो एक्सियल रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है कंपेयर टू ऑल द अदर प्लान जिनका ठीक है, मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान इस तरह से मिला मृत संजीवनी का ज्ञान मिलने के बाद देवताओं में तो हड़कंप मच गया कि बोले कि अब तो लाइक ना सारे देवता फिर से उठ करके आ जाएंगे तो बहुत प्रयास था कि ये विद्या इनसे सीख ली जाए ठीक है गुरु शुक्राचार्य से यह विद्या सीख ली जाए अब गुरु शुक्राचार्य से सीखे तो सीखे कैसे बड़ी दिक्कत है कि राक्षस जो दैत्य लोग हैं वो चाहते हैं कि ना इनके गुरु शुक्राचार्य के पास कोई आए और सबको मालूम है कि इनके पास अब विद्या है तो सारे लोग सीखना चाहते हैं तो बृहस्पति के पुत्र हुए कच्छ ठीक है कच्छ हुए और शुक्र जो देव है शुक्राचार्य है वो कच्छ ना शुक्राचार्य के पास गए एज अ स्टूडेंट बनने के लिए अना दैट इज वेयर शुक्राचार्य का वो है कि शुक्राचार्य ने असुरों को सिर्फ इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो असुर है वो एक्चुअली शुक्राचार्य के अंदर ये खासियत है कि ही डज नॉट सीज द द राइट एंड रॉन्ग मतलब किसी एक को प्रेफरेंस देने की बात नहीं है ही ही इज जस्ट दैट वांट्स टू कीप द बैलेंस ठीक है तो इसी तरह से उन्होंने स्टूडेंट के रूप में जब असुरों को एक्सेप्ट किया तो इट वॉज नॉट कि वो उनकी नेगेटिविटी देख के उनकी पॉजिटिविटी देख करके उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया था तो जब शुक्राचार्य के पास कच्छ आ गए तो कच्छ सीखने आए थे अमृत संजीव ने बीता एज अ स्टूडेंट तो वो ये थोड़ी ना बोलेंगे कि मैं विद्या सीखने तो वो तो भाई मैं कोई, तो है, है? तो तो कोई चीज छोड़ूंगा तो वैसा ही वो कच्छ को उन्होंने एक्सेप्ट किया तो ये खासियत है कि जानते हुए कि ये बृहस्पति का जो उनका एन, एनिमी है वीनस, वेरी, दोनों अलग अलग गुरुज हो गए ना एक शुक्राचार्य हो गया अलग गुरु और एक बृहस्पति हो गया अलग गुरु दोनों में क्योंकि क्लान वाइज डिवाइडेड है एक देवा और असुर का इस वजह से एक कह लीजिए कि डिस्टिंक्शन है एक एनिमोसिटी भी कह सकते हैं जो है लेकिन ये जानते हुए कि बृहस्पति के पुत्र फिर भी उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया एज अ स्टूडेंट अब कच्छ जो है वो ऋषि शुक्रा गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में देवता और राक्षसों को ये बात पसंद नहीं बिल्कुल पसंद नहीं कि ये क्यों यहाँ पे आया है ठीक है तो वो तो वो उसको जब तक वो आश्रम के प्रांगण में है तब तक तो उसको कुछ नहीं कर सकते क्योंकि भाई ऑब्वियसली शुक्राचार्य के वो है गुरु है तो तो नहीं कर सकते उनके तो ना इसको वो करते हैं कि शुक्राचार्य ने पहले ही कच्छ को बोल दिया था कि देखो भाई तुम यहाँ आश्रम में हो तुम यहाँ सावधानी से रहना क्योंकि तुम्हारे जान को खतरा है ठीक है तो बोले कि तुम आश्रम के प्रांगण से बाहर मत जाना तो लेकिन जो राक्षस लोग थे तो उसको वो कच्छ को भोले वाले को उसको समझा बुझा करके बोलते कि चलो आओ तुमको तो जंगल में ये वाला एक पेड़ दिखाता हूँ इसकी इतनी क्वालिटीज है इतने वो है वो बेचारे उसको लेके गए और उसको मार दिया मार के उसको काट कूट के वही फेंक दिया अच्छा ये सब क्योंकि वो स्टूडेंट था तो जो शुक्राचार्य है उनकी एक पुत्री है पुत्री का नाम सुनो देवयानी मार्ग टू द गॉड्स देवयानी का मतलब है देव के आयन के लिए जो रास्ता देवों तक जाता है वो उनकी शुक्राचार्य की पुत्री है देवयानी इसके दो मीनिंग है मतलब एक सिम्बोलॉजिकल एक नॉर्मल मीनिंग है एक नॉर्मल मीनिंग यही है ये कि उनकी पुत्री है, का नाम है बस नाम है देवयानी बट एक अदर मीनिंग है कि शुक्र का जो पाथ है इट विल ऑलवेज लीड यू क्योंकि वो जन्म देगा विल विलीव टू देवयानी यानी कि पाथ टू द गॉड्स ठीक है तो जो वही मैंने कहा कि जो कर्मकांड का पार्ट है इज ऑलवेज रिलेटेड टू गॉड्स और जो स्पिरिचुअलिटी का पार्ट है उसमें कोई गॉड की बात नहीं होती उसमें इट्स लाइक इटर्निटी उसकी बात हो जाती है तो देवयानी जो होती है ना वो उनकी शुक्राचार्य की पुत्री होती है और वो जब साथ में आश्रम में रहते हैं क्योंकि दोनों सेम एज के हैं ठीक है तो उनकी मित्रता बढ़ जाती है अधिक हो जाती है एंड उनकी मित्रता प्रेम के रूप में कन्वर्ट हो जाती है तो जब कच्छ लौटते नहीं है रात शाम होने पर आश्रम में तो देवयानी का जी एकदम से वो होने लगता है कि कुछ ना कुछ अनहोनी हो गई है कुछ ना कुछ चीजें घट गई हैं तो वो फिर जाती हैं शुक्राचार्य के पास और बताती हैं और वो पता लगाती है कि क्या हुआ तो पता चला कि उसकी हत्या हो गई है तो वो उसके शरीर को पूरा लेकर के आती है और शुक्राचार्य के पास रखती है रोने लगती है शुक्राचार्य अपनी पुत्री को रोते हुए नहीं देख सकते थे तो उन्होंने क्या किया कि चलो ठीक है तो उन्होंने मृत समझनी विद्या से कच्छ को जीवित किया कच्छ फिर से जीवित हो गया असुरों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी उन्होंने लगा कि ये तो मतलब ये तो बहुत ही अः बेकार है कि ये कैसा करें फिर वो ताड़ में लग गए कि किसी तरह से इसको आश्रम से बाहर निकलो फिर शुक्राचार्य ने समझाया कच्छ को कि देखो तुम जाओ नहीं बाहर आश्रम से बाहर निकलने में तुम्हारे जीवन को खतरा है जब तक तुम आश्रम तो तो हो तब तक सुरक्षित हो कच्छ फिर समझ गया फिर दो तीन महीने बीते अपना पढ़ाई लिखाई सब करते रहे ठीक है तो फिर असुरों ने सोचा कि क्या करा जाए क्या करा जाए तो फिर असुरों ने क्या किया मतलब ऐसा कई बार हुआ मल्टीपल टाइम्स वो बाहर जाते कोई ना कोई लेकर के 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 कोई कोई ना रीजन से कभी कभी फूल लाने बहाने उसको लेके जाते और मार देते फिर मल्टीपल टाइम्स वो जीवित हो जाता दिस वेंट ऑन फिर असुरों ने सोचा कि यार इसको ना इसको कुछ करना पड़ेगा इसका कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ेगा तो क्या करने पड़ेगा तो उन्होंने कच्छ को फिर से लेके गए बाहर और उसको मार डाला उसको काट डाला उसका एक एक हिस्से को काट करके और उसको उसका जूस निकाल लिया, जूस निकाल उसका पीस डाला मतलब उसका इतना करा पीस डाला और जूस निकाल करके उसको जाके गुरु शुक्राचार्य को पिला दिया ठीक है जब गुरु शुक्राचार्य ने उसको पिया तो गुरु शुक्राचार्य जब वो पेट में चला गया तब उनको रियलाइज हुआ कि ये तो कच्छ था जो राक्षसों ने पिलाया और इधर देवयानी मार रोए पड़ी है पड़ी इसलिए क्योंकि अब एक विडंबना सिचुएशन आ गई है कि कच्छ जीवित रहे कि पिताजी जीवित रहे ठीक है तो ये राक्षसों ने चाल चली तो फिर जो गुरु शुक्राचार्य थे उन्होंने क्या किया कि पुत्री के मुंह में आकर के उन्होंने अपना जो ज्ञान था संजीवनी विद्या का वो कच्छ को पेट में ही सिखाया ज्ञान पूरा पेट में सिखाया और सिखा करके उसको जीवित कर दिया जीवित किया तो वो पेट फट गया पेट फट के कच्छ बाहर आ गया और शुक्राचार्य की मृत्यु हो गई जब शुक्राचार्य की मृत्यु हो गई तो कच्छ Uh, अब क्योंकि उनके पास उनके ऊपर अब गुरु ऋण आ गया गुरु ऋण मतलब समझ कि एक ज्ञान दिया तुमको तो अब उसका चुकाने का भी तो होता है कि गुरु दक्षिणा में क्या दिया जाए तो कच्छ ने पुनर्जीवित किया शुक्राचार्य को और उनको जीवंत दे करके उनका गुरु का ऋण उतारा और कच्छ चलते बने क्यों क्योंकि उन्होंने तो वही सीखने आए थे अमृत संजीवनी विद्या और उन्होंने ली। सीख ली सीख लिए और फिर वो चले जब चले तो देवयानी ने उनको पकड़ा बोला कि ये तो चीटिंग हो रही है तुम कहाँ जा रहे हो तुमने तो जन्मों जन्मों के वादे किए थे हमारे साथ जीवन बिताने के लिए तुम तो हम तो तुम्हारे प्रेम में हैं ठीक है ठीके? तो अब तुम कैसे जा सकते हो तो कच्छ बोले कि जो जन्मों जन्मों तक वादे किए थे वो कच्छ ने किए थे लेकिन अब मैं वो कच्छ नहीं हूं जो जो पहले था क्यों क्योंकि अब हमारा और तुम्हारा रिश्ता अलग हो गया तो बोले अलग कैसे हो गया बोले कि तुम शुक्राचार्य की पुत्री हो उसी भांति मैं भी शुक्राचार्य का पुत्र हो गया क्योंकि मैं भी उनके ही स्टमक से निकला मैं भी उनके ही वोम से निकला तो अब मैं अब हम दोनों भाई बहन हो गए तो यानी कि नहीं ये तो चीटिंग है मेरे साथ मैं तो तुम्हें इतना प्यार करती थी तो बोले कि अब चीटिंग कर लो चाहे जो कह लो हम दोनों तो भाई बहन है और और मेरे दिमाग में तो अब कोई भी प्रेम का भाव नहीं रहा तुम्हारे लिए और अब मैं तो अपना सन्यास धर्म और ये सब का पालन करने जा रहा हूं ठीक है तो ये अब वो नहीं है तो फिर जो वो है कहते हैं देवयानी जो है वो कच्छ को श्राप देती हैं कि तुम जिस चीटिंग कर रहे हो मेरे साथ ऐसा तो तुम्हारा जो विद्या है तुम भूल जाओगे ऐसा करके और तो फिर कच्छ भी श्राप देते हैं कि तुम जिस तरह से काम वासना के उसमें पढ़ करके मुझे इस तरह से श्राप दिया इस तरह से तुम्हारा भी वैवाहिक जीवन खराब हो जाएगा ठीक है सो so, इस तरह से वैवाहिक जीवन खराब होने का श्राप पढ़ के दोनों अपने अपने रास्ते चले गए कच्छ आगे जा करके उसको जब इस्तेमाल करने का बात आया तो वो भूल ही गए और जब इधर देवयानी का विवाह खराब हो गया तो ये थी कथा किस प्रकार से जो देव देवता और असुर लोग अपना चीजें करते हैं बट सबका एक लेवल का मीनिंग ये है दूसरा मीनिंग ये कि शुक्र लगन पे हो तो संतान का वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है एक विवाह खराब हो जाता है ठीक है सो so, इसके लिए फिर क्या हुआ था कि गुरु शुक्राचार्य ने जब पहला विवाह किया देवयानी का तो वो उसमें बाधाएं आई चीजें आई और खराब हो गया ठीक है तो गुरु शुक्राचार्य ने फिर दूसरी बुद्धि लगाई भाई गुरु है तो अब यहाँ पे तो हम लोग जो छोटे छोटे टेक्निक लगाते लगाते रहते तो वो तो शुक्राचार्य है तो वो उन्होंने बोला कि इसका उपाय तो करेंगे करेंगे शादी तो ठीक करानी करानी है तो उन्होंने बृहस्पति को इनवाइट किया अपनी देवयानी की शादी में ठीक है तो बृहस्पति जब आए और बृहस्पति ने जब आए तो जब मैरिज हो रही थी तो गुरु शुक्राचार्य ने उनको बताया कि जिस भी रिलेशनशिप को गुरु देख लेगा गुरु देख लेगा वो रिलेशनशिप खराब नहीं होता यानी कि उनको कहने का था कि क्योंकि आप मेरी पुत्री के मैरिज को देख रहे हैं इस वजह से इस पुत्री का अब विवाह खराब नहीं हो सकता है भले ही कच कच इतना भी श्राप लगाओ ठीक है सो इट्स अ सिंबोलिकल मीनिंग सही कि इफ सेवेंथ हाउस इज एक्सपेक्टेड बाई जुपिटर मैरिज वोट ब्रेक और मैरिज में कोई बाधा नहीं आएगी तो so, ये एक मेथड है। इवन इफ तो लेकिन seven, 11, को देख रहा है। क्यों? आ, संतान का विवाह का हाउस कौन सा होगा इलेवंथ हाउस तो है उस, उसका तो, 11, को देख लेगा, तो पुत्र के संतान के विवाह में आएगी नहीं और ऐसे नॉर्मली एक नेटे के चार्ट में कहीं से भी, भी बृहस्पति दृष्टि डाल देंगे उस पे सेवेंथ हाउस पे तो वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाता है ठीक है सो ये बताने का स्टोरी का वो चीजें हैं ठीक है थीके? तो एक मैरिज लेकिन खराब होती है शुक्र अगर लगन पे हो सन, एक संतान की एक मैरिज जरूर खराब होती है और प्रेम में धोखा भी मिल जाता है चीटिंग भी हो जाती है ठीक है और वीनस लगन पे हो तो स्टूडेंट भी कई बार लेकिन स्टूडेंट भी कई बार आपसे छल कर सकते हैं चीटिंग कर सकते हैं तो ये भी एक वो है प्यों? क्यों क्योंकि भाई कच्छ का पर्पज तो यही था कि वो सीख ले ज्ञान एक प्रकार से लेकिन शुक्रचार फेल्ट चीटेड ऑल्सो कहीं ना कहीं चीटिंग हुई उनके साथ तो ये थी आ, कथा जो है शुक्राचार्य की उसकी तो हिम कुंडे लाभम दैत्य नाम परम गुरु सर्वशास्त्र प्रवक्ता भार्गवम भार्गव प्रणमा